हेलो फ्रेंड्स, आपका निकिताज किचन में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंस्टेंट कैरी का अचार। इस तरीके का अगर आप अचार बनाओगे तो 15 से 20 दिन के लिए आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। तो अचार बनाने के लिए हम सबसे पहले मसाले को रोस्ट कर लेंगे। तो मसाले में मैंने 1 चम्मच मेथी दाना लिया है, इसे बस थोड़ा सा हम चला लेंगे। उसके बाद में मैं इसमें 2 चम्मच सौंफ डाल रही हूँ। मसाला आप आपके हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैंने 250 ग्राम कैरी लिए है, उसके हिसाब से मैं मसाला ले रही हूँ। अगर आपको मसाला ज़्यादा पसंद है तो आप इसकी डबल क्वांटिटी कर सकते हो। तो देखिए सौंफ का भी कलर चेंज हो चुका है। अब इसके अंदर मैं राई के दाने डालूंगी। राई के दाने को मस्टर्ड सीड भी कहा जाता है, तो इससे फ्लेवर अच्छा आता है अचार का। तो देखिए राई के दाने तुरंत ही रोस्ट हो जाते हैं। तो अब हम इस मसाले को ठंडा कर लेंगे। तो देखिए मसाला मैंने ठंडा कर लिया है। अब इसके हमें दरदरी पेस्ट पाउडर बनाना है। तो देखिए पाउडर मैंने बना ली है, इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तब हम अचार बना लेते हैं। अचार बनाने के लिए मैं 1 पैन में 1/2 कटोरी तेल ले रही हूँ। तो देखिए तेल हमें थोड़ा सा गर्म कर लेना है। तो तेल मैंने गर्म कर लिया है। तो इसके अंदर हम पहले कटोरी में लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ले रही हूँ मैं। 1/2 चम्मच हल्दी ले रही हूँ और स्वादानुसार नमक ले रही हूँ। इसको हम एक साथ में मिला लेंगे, क्योंकि तेल में लाल मिर्च पाउडर और हल्दी डाले तो वो जल जाती है। तो इसके लिए हमें नमक में इसमें थोड़ा सा मिला लेना है। तो देखिए इसे मैंने नमक में मिलाकर साइड में रख दिया है। तो इसी तरह से हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम जो हमने मसाला पिसा है उसका पाउडर मैं डाल रही हूँ, और ये डालने के बाद हम गैस बंद कर देंगे। तेल हमें खोलता हुआ गरम नहीं करना है। अगर खोलता हुआ तेल हम गरम करेंगे तो मसाला जल जाएगा। तो देखिए मसाला डालने के बाद मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है। अब इसके अंदर मैंने 4 लौंग डाली है और उसी के साथ मैंने हींग डाला है 1/2 चम्मच। अब इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं और उसी के साथ हम इसमें देखिए इसमें बबल्स बन रहे हैं हींग डालने के बाद में। अब इसमें मैं जो लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, नमक जो साथ में मैंने मिक्स करके रखा था वो डाल दिया है। अब ये डालने के बाद हमें इसमें ठंडा कर लेना है। तो देखिए इस तरह से इसका अच्छे से कलर आ चुका है। अब इसे मैं ठंडा करने रख दूंगी। इसे हमें अच्छे से ठंडा कर लेना है। लाल मिर्च इसमें मिक्स होने के बाद देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। इस अचार को आप रोटी, पराठे, पूरी, सब्जी के साथ खा सकते हो। देखिए तो अब मसाला पूरी तरह से ठंडा होने के बाद में इसे मैंने कैरी काट कर डाल दी है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर हम इसे एयरटाइट कंटेनर में भर कर रख देंगे। अगर आप इसे खुला रखोगे बाहर तो 10 से 12 दिन रख सकते हो। अगर फ्रिज में रखोगे तो महीने से 1.5 महीना ये चल सकता है। तो देखिए अचार बनकर रेडी है। आप इसे अभी भी खा सकते हो या 2 दिन के बाद ये थोड़ा गल जाता है। कैरी में से पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है तो ये थोड़ा खट्टा लगता है, तो उसके बाद में भी आप यूज में ला सकते हो। तो अचार बनकर रेडी है। तो देखिए अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।